जगदानंद कंदाय प्रणता तिहराय च निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। परात्पर परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर जगन्नाथंकर पदारविंदरि शतकोटि प्रणाम मणिमा अकिंचनर शतकोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ टीभिरे सीधा प्रसारण कार्यक्रम देखुचंति परम पवित्र क्षेत्र श्रीक्षेत्र रसई पूर्व द्वार समेत भक्त मान दर्शन श्रीवच्छ खंडशाल बड़देवल दर्शन करुछन्ति। दर्शन तो श्रीमंदिर आपण माने करुछन्ति, श्रीमंदिर उपरी भाग रे शीर्ष भाग रे सेवार दर्शन मनरे उत्कंठा रखी थांति। श्रीमंदिर दर्शन करू करू श्रीमंदिर उपरे ध्वजाबंदा सेवक आज सेवा करिवे सेतिप्रति आपणकर ध्यान रही सेतिप्रति आपणकर लक्ष्य रही। ध्वजाबंदा सेवक मध्य पतका निकटरे ध्वजा निकटरे पहुँची चारिचंती बा ओला भेड़ार उपरी भाग रे पहुँची तांकर सेवारे निमग्न रही सारिचंती। भगवानंक प्रति ये तांकर भक्तिर भाव श्रद्धा सुमन से अर्पण करुचंती सेवा माध्यम रे। भगवानंकर अलौकिक समग्र रूप समस्त ही अनुभव करिथांती। अलौकिक रूप रही भगवान कर। भगवान कर यह स्वभाव जे जो भली आश्रय निए से मत से आश्रय दिं जे जो भली भाव भावे भजे से मत से भाव अनुसार भजी था जे यथा माम प्रपद्यंते सस्तैव भजाम्यम। जिते बड़े भगवान विषय चर्चा चले कौन सी कथा पुराण शास्त्र ग्रंथ इत्यादि भगवान विषय चर्चा चले भक्त से आनंद मग्न हो आत्मविस्मृत हो जाए अन्य सब कथा प्रति तार ध्यान न था भूली जाए था। भगवान से भक्त विषय चर्चा रे सब किछ भूली जाते। मो मतरे तपस्वी मानक जोगी श्रेष्ठ ज्ञानी मानक ठारु मध्य जोगी श्रेष्ठ कर्मी मानक ठारु मध्य जोगी श्रेष्ठ एकता मध्य भगवान निजे मुक्त कंठरे कहिचंद समस्त जोगी को मध्य भी जो श्रद्धावान भक्त मोटारे तलिन मना हुई प्रेम पूर्वक मोर भजन करे कीर्तन करे नाम करे मो मतरे से ही सर्वश्रेष्ठ जोगी। भक्तर प्रसंग चलिबारु भगवान से आनंद विभोर हो अन्य सब कथा भूली गले जेते बेले भगवान को प्रश्न करी थांते के ना अर्जुन अर्जुन प्रश्न न करुणु से निज आड़ सप्तम अध्याय विश्वास आरंभ कर दे। भगवान कहले जे मु विज्ञान सहित ज्ञान कहबी जद्वारा तुम्हें मोर समग्र रूप को जाणीज मोर समग्र रूप को जाणीजा पर आउ किछि जानिबा बाकी रहिबो नाही कारण जदि मो व्यतीत आउ किछि नाही तेबे फुनी आउ कौन जानिबा बाकी रहिला। भगवान कर ई समग्र रूप को शरणागत भक्त ही जानि पारे समग्र रूप को भक्त ही से जानि पारि थाए एणु जो भक्त भगवान को शरण नहीं निष्ठापूर्वक साधना करती से माने विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात भगवान को समग्र रूप को जानी जानती एकता भगवान मध्ये कहिछन्ति। जो माने भगवान को विश्वासी ईश्वर विश्वासी भगवान का मार्ग को आशा करती ये आशा पूरण करती महाप्रभु जिते बड़े बयस आसी जाए परिणत बयस आसी जाए आपण देखुंत भगवान नाम उच्चारण पूर्वक श्रीक्षेत्र रही प्रभुंर सेवा दर्शन करुछन प्रभु को सेवा करिवे सेवार दर्शन करिवे ये सेवा दर्शन भी सी पुण्यता मिली जाए ना नाई जो सेवा को देखुं से भगवान पाखे श्रीक्षेत्र रही आवाल वृद्ध बनिता समस्ते आमे जन्म हेबा शिशु हेबा कारण शिशु आम जन्म रु शिशु शैशव अवस्था व्यक्ति शिशु ही जन्म हूँ क्रमश बढ़ी बढ़ी युवक हूँ बुधावस्था प्राप्त हूँ परिशेष मृत्युमुखे पड़ती शेष अवस्था आसे
କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରନ୍ତି, ଅବତାର ଧାରଣ କରିବେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି, କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତିର ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେ ନିତ୍ୟ କିଶୋର ରହନ୍ତି। ଶହଶ ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସେହିପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ପୃଥିବୀ, ଅନ୍ନ, ଜଳ, ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦିଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଉଦାରତା ସମତା ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ଅତୁଳନୀୟ ଉଦାରତା ସମତା ନଥିବ? ଭକ୍ତ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ଭକ୍ତ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ବାସ୍ତିକ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ସେଠାରେ ବସବାସ କଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ଆସିଲେ, ବସବାସ କଲେ, ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, କୃପା ରହିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଯାଏ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବରୁ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସେହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସଦାସର୍ବଦା ହାତ ଟେକିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତ ଟେକିକି ବିଶାଳ ବାହୁ, ଦୁଇ ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମୋର ଆସିବେ, ମୋର କଲ୍ୟାଣ, ମୋର କୃପା ଲାଭ କରିବେ, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ସେଇ ସମୟ ତାଙ୍କ କେତେ ସମୟ ହାତ ଟେକିବେ ତାହା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ହାତକୁ ଟେକିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଏକଥା ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ପାଇଁ ହଉ ବରଂ ଜୀବନରେ ଥରେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପତକା ଲାଗି ହୁଏ, ଭକ୍ତମାନେ ହାତ ଟେକି ଜୟ ଜୟକାର କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଣ୍ଡରେ ନାମ ତାଙ୍କର ଭାବନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ହାତକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଭକ୍ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ରଖିଥାଏ। କାରଣ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅବତାର ସମୟରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ, ଚିନ୍ତନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ହାତ ଟେକିବା କଥା କହୁ କହୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଏକକାଳୀନ ଉଠୁଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଥରୁଟିଏ ହାତ ଟେକିବା, ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ଆମ ପାଇଁ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି। ସିଏ ସର୍ବଦା ହାତ ଟେକିବେ, ଆମେ ଥରୁଟିଏ ହାତ ଟେକିବା। ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଆବାଳବୃତ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ସ୍ୱତଃ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଧ୍ୱଜାବନ୍ଦା ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେ ହାତ ଆପେ ଆପେ ଟେକି ହେଇଯାଏ, ଆପେ ଆପେ ପ୍ରଣାମ ହେଇଯାଏ, ଆପେ ଆପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ହାତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଥାଏ। ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ କୃପା। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୃପା ବଳରେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଅବତାର ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାର ମହାପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅବତାରରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଥିଲା, କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବାର ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ
ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ପତାକା ଲାଗି ଅରଦ୍ୱାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧ୍ୱଜାବନ୍ଦା ସେବା ସେବା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅବତାର ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର ଶ୍ରବଣ କରି ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ପରେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥାଏ ସହଜରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏପରି ଉଦାର ହେଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏକ ପରମ୍ପରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଲୀଳା ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ସଂସାରର ଏ ସଂସାର ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲେ ଯିଏ ଏହାକୁ ଯେପରି ଦେଖେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ସେହି ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେ କରି ନିଜ ପାଇଁ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇବାରୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବାରୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ରୂପରେ ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଅସତରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅସତ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଗବାନ ଆମର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସୁହୃତ ତେବେ ପୁଣି ଭୟ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ବେଗ ଅଶାନ୍ତି ହେବ କିପରି? ଭକ୍ତ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ସେ ସେଥିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ସେ ସେଥିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭକ୍ତର ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଜିଯାଆନ୍ତି। ଯାହାର ସଂସାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶଶୀଳ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ସବୁ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ ଜୀବନ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବିଚାର କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଏପରି କୌଣସି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜେ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ସଂସାର ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସଂସାର ଦ୍ୱାରା କରାଇପାରିବା ନାହିଁ କି ନିଜେ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ନାଶ ପରମ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ସର୍ବଥା କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଦୁଃଖ ନାଶ ହୋଇ ସ୍ୱତଃ ପରମ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ମନରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋଭ ଆସକ୍ତି ମୋହ କାମନା ପଳିବ ଆପେ ଆପେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଖାଲି ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ ପରମ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ କେବଳ ପରମ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଭକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ। ଭକ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରରେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନିଜର ନୁହେଁ ଯାହାର ଏକ ଅଂଶରେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ କେବଳ ସେହି ନିଜର ସେତେବେଳେ ତା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ସ୍ୱତଃ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ କାରଣ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଆମ ସାଥିରେ ରହେ ଏବଂ ଆମେ ସର୍ବଦା ତା ସାଥିରେ ରହୁ କେବେ ପୃଥକ ହୋଇପାରୁନା କେବଳ ସେ ହିଁ ନିଜର ଏପରି କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଦା ସେବକ ତାଙ୍କର ଧୀରେ 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 ଗୋଟିଏ 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 ମାଳାକୃତି ପତାକା ବାନ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଁଳ ବେଢ଼ାର ଉପରି ଭାଗରେ ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାଳାକୃତି ପତାକା ବନ୍ଧାଯିବା ପରେ ଆମେ ପବନର ଗତିକି ସ୍ଥିର କରିଥାଉ ଦେଖିଥାଉ ପବନର ଗତି କେଉଁଆଡ଼େ ହେଉଛି। ସବୁଦିନ ଦେଖିଥାଉ ପତାକାମାନ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପବନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପବନ ହେଉଛି
दक्षिणाभिमुखी दक्षिण को पताका मान सब मुह कर उड़ुचंद पताका बंधा सरिला परे पवनर गति परिचय बा पवनर को दिग को प्रवाहित तो होती ताहा सहजरे जानिपारु तेणु सेमिति पताका नथिब नीलचक्र खाली थिबे आकाश को चाहिँ पवन बा वायुर गति निर्णय करि पारिबे नाही तेणु कौनसी से पताका को चाहिदेले सहजरे जी कई धरिनिए उत्तर दिगरु पवन बहुची बा दक्षिण दिग को पवन प्रवाहित तो होती सही कथा को जेतेबेले चिंता करिक से भाविबो पवनर आतजात कहतु जो वायु चलाचल सब वायु चलाचल ठूर आरंभ करी अग्निर उत्पत्ति पर्यंत एवं अनंत आकाशर स्थिति ठूर आरंभ करी विशाल समुद्रर स्थिति पर्यंत सबुरे मूलरे किए ना से सृष्ट भगवान अनंत ब्रह्मांड भितरे बाहरे अनंत ब्रह्मांड रूप से एकमात्र भगवान को व्यतीत किसी भी ना अनंत कोटि ब्रह्मांड आम कौचे से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होती प्रभु जगत ठाकुर जगन्नाथ तेणु अनंत ब्रह्मांड भितरे बाहरे अनंत ब्रह्मांड रूप से एकमात्र भगवान तांको छड़ा आ संसार कई ना तांको छड़ा संसार आउ केही नाही बोली ए कथा मध्य आमे स्वीकार करूचे परमात्मा को व्यतीत अन्य किछि नथिबारु तांको ठारे कार्य कारण भेद नाही भगवान को ठारे कार्य कारण भेद नाही कार्य कारण भेद केवल मनुष्य को दृष्टि रे थाए तेणु मनुष्य को बुझिबा पई अन्य वस्तु को किछि ना किछि सत्ता प्रदान करी परमात्मा कर वर्णना विवेचना विचार चिंतन प्रश्न उत्तर ये सब करा जाए प्रभु परमात्मा परम परात्पर परमेश्वर भगवान देश काल प्रभुति सब दृष्टि अनंत जदि भगवान को द्वारा रचित सृष्टि मध्य अंत मिले ना ताले भगवान को अंत मिल किपर भगवान जो सृष्टि रचना सृष्टि करिचंती से सृष्टिर आदि अंत कई पाना सृष्टि मध्य अंत मिले ना तेज भगवान अंत मिल किपर आज पर्यंत भगवान विषय जहाँ कि चिंतन करा जाउची कथन करा जाउची लिखन करा जाउची धारणा करा जाइची से सब एकत्र हेले मध्य अपूर्ण से समस्त को एकत्रित कले भी सी अपूर्ण पूर्ण मन अपूर्ण हो केवल से नुहे भगवान निजे निज विषय भी परिपूर्ण कही पारंती ना जदि कहीदेवे तेज से अनंत हे किपर जहाँ को आम कौचे अनंत असीम अपार से अनंत हे केमी भगवान भी निजे कही पारे विषय से पूर्ण रूपे संपूर्ण भाव कही पारे तेणु भगवान स्वभाव उदार उदार हृदय कारण भगवान स्वभाव एते उदार एते भल पाइबा प्रेममय जे से जहाँ को किछि वस्तु दियंती ताकु जणैबा पई सुजोग दियंती नाही जे भगवान को ठारु पाए भगवान दैचंती बोली से जणै दियंती नाही आउ जणे ध्वजाबंधा सेवक पहुँचिले ओणा बेढ़ार निर्म भागरे हनुमान को पाखरे वरिष्ठ वयजेष्ठ ध्वजाबंधा सेवक कारण सेवा भितर सेवकों भितर युवक था वयजेष्ठ था तेणु समस्त सेवार अधिकार रही युवकों सेवार अधिकार अच्छी वयजेष्ठ मानक सेवार अधिकार अच्छी से कूल जी जन्म है सेवक कूल से सेवार अधिकारी होता है तेणु प्रभुंकर सेवक मानक जो रही वंशानुक्रमिक सेवा रही गोष्ठीगत सेवा रही एकाएक सेवा रही किए व्रत अनयन है सेवा करे किए जन्म होवार एक दिन पर भी सेवा करे एम विभिन्न प्रकार तर सेवार किभली भाव अधिकारी से
व्यवस्था मध्ये थाए शिकुला माध्यम रे तांकर गति करूचंती नीलचक्र निकट को ए सेवक जिबे प्रतिदिन मंदिर चढ़ीबार अभ्यास एमानंकर रखी थांती कारण सेवा एभली भी सेवक रही चंती सेवा थिले भी से जानती सेवा करिबा को धरंतु सेवा नाही अन्य को सहाय्य करिबा को मध्य प्रभुंक पाई भक्ति श्रद्धार सहित से माने भी सहयोग हाथ बढ़ी था तेणु उद्देश्य तांकर दलगत भावे जाई प्रभुंकर ध्वजा बंधा सेवा प्रतिदिन सुचारू रूपे निर्विघ्न भावरे संपन्न हेबो ए चिंता केवल ध्वजा बंधा सेवक बा चुनरा सेवक मानकर रही थाए तेणु तांक प्रति उदार भाव भगवानकर रही थाए प्रत्येक सेवकों प्रति भगवानकर उदार भाव रही थाए कारण भगवानकर स्वभाव तो उदार प्रेममय सबकिछि से दियंती भगवान को जहाँ मागिबे भगवान देबे डबारे तांक पई से कष्टकर कष्ट अनुभव करंती कि कुंठाबद्ध करंती जी जहाँ भक्त मागिछि ताकू देइछंती किंतु ताकू जणैबा पई सुजोग दियंती नाही या से देइछंती जणांती नाही जे मु भगवान को ठारु भगवान मत देछिन भक्त भूली जाइथाय परम जेऊ व्यक्ति जहाँ मिलिछि जो व्यक्ति को जहाँ जो भक्त को जहाँ मिली से ताकू निजर बोली मानि ने भगवान को देवार शैली एपरी विचित्र से विचित्र वैचित्र नीति वैचित्र स्थिति वैचित्र कीर्ति वैचित्र सृष्टि से महाप्रभु कहा जाए वैचित्रमय ए दुनिया वैचित्रमय ठाकुर अभूतपूर्व प्रकार से ठाकुर लीला से लीला लीलामय पुरुष सब लीला को रहस्य करेणु भगवान पाखे जिते बार उदारता भाव साधारण भक्त टी अनुभव कर आंतरिकता भाव साधारण भक्त टी अनुभव कर दिए आपण कहे केमी साधारण भक्त टीए से दस वर्ष बार वर्ष कि वर्षे कि छ मास कि प्रतिदिन आसे जगन्नाथ को देखी से कांदी थाए हठात देवता सम्मुख को गले आखिक देखिले कि रूप को देखिले स्वरूप को देखिले कांदी थाए कांदीबार कोह कौटी आसे गोटे निजर लोक को पाईगले तेणु कर्णिका ऊपर को ध्वजा बंधा सेवक पहुँची अक्षय दंड को प्रणाम करिवे ये तांकर साधना ये तांकर अभ्यास पुनश से प्रत्यावर्तन कर प्रतिदिन देखुं मनरे प्रश्न रही है जी जाए से ध्वजा परिवर्तन करे ये किंतु ध्वजा परिवर्तन चाहिले करिवे जेहेतु से कूल से जन्म किंतु प्रत्येक दिन तांकर ब्रह्मदंड को स्पर्श करी पतित पावन नीलचक्र शीर्ष को मुझे जीवी मनर जो संकल्प नहीं था व्रत करें मनर व्रत से सेवा जी बयस हो महाप्रभु से कृपा करुवे प्रत्येक सेवकों शरीर ठार् आरंभ कर मन ठार् आरंभ कर सबू महाप्रभु निजे वहन कराय तो देखिए भगवान जिते सेवक अच्छा तांकर शरीर असुस्थ हवा क्वचित कारण सी सदा सर्वदा हृष्टपुष्ट शरीर तांकर भगवान रखि था सेवा करिवे महाप्रभु तेणु सेवक प्रिय माधव जो कहा जाए सेवक मानकर असुस्थ हो जाए शरीर ठीक तांकर जो दिन पाली थी ए पाली सकाळ तांकर शरीर सुस्थ हो जीव सी चिंता करुवे प्रभुंर पाली किभली भाव करी देह तो असुस्थ हो पड़ी भल लगुनि शरीर रसवस लगुच मन भल लगुनि भाराक्रांत लगुच सेवा केमी हे निज शरीर को सी निजे ही असमर्थ मणु मणुवे कितु ठीक सेवार पूर्वर जो दिन सेवा थी महाप्रभु समस्त समर्थ कर दिंत समस्त सामर्थ्य प्रदान करते असमर्थ जी तक सामर्थ्य प्रदान करते महाप्रभु तेणु कौन सी दिन सेवकंर
जिते शरीर असमर्थ हेले मते भगवान प्रदान कर दियंती समस्त सामर्थ्य जद्वारा प्रभु को सेवा को से करिबा को इच्छा प्रकाश करी आसी जाई थांती। दुई जन ध्वजाबंदा सेवक तांकर प्रत्यावर्तन रो समय रे से करी आसुचंती ओल्ही आसुचंती तळ को आसुचंती तांकर जति कि प्रभु को पई आजिर सेवा तला से सेवा को करी प्रभु को पाखरे निजर सेवार मनोभाव को से प्रदान करिचन सेवार गोटे सेवा गोटे थाए सेवार मनोभाव थाए आमे देखिले ध्वजाबंधा सेवा करिबा पई मंदिर उपरे तीन चार जन पांच जन ध्वजाबंधा सेवक जांत आमे सेवक को देखिले संख्याबद्ध गणी देले किंतु तांको भितरे सेवार भाव सेवार करिवार जो उत्कंठा बा श्रद्धा आमे जानी परिबा नै केवल से जानिबे जहांको उद्देश्य रे सेवा करूचंत जहांको पई ये सेवा करूचंत सेवा को जे ग्रहण करूचंत से जानी परिबे ये केते श्रद्धार सहित आज सेवा करिछ केते निष्ठापरतार सहित सेवा करिछ केते श्रद्धार भक्तिर सहित सेवा करिछ सेगुराक से सबु प्रति ध्यान देबे जे नाही आज सेवकंकर एई एई सेवा मते प्रसन्न करिछंति भगवान कहते ना जे भगवान मु तुम कर्मरे तुम सेवारे संतुष्ट अछि प्रसन्न अछि कि बर मागुच माग भगवान संतुष्ट हेला परे बर मागिबा पई कहि थांति जो माने सिद्ध पुरुष साधु संत नानादि प्रकार केते भगवान को प्राप्ति होती से माने भगवान को प्रसन्न करिबा परे भगवान निजे स्वीकार करुचंति तुम सेवारे तुम भक्ति रे मु संतुष्ट अछि कौन मागुच माग तेणु संतुष्ट प्रसन्न करिवार भगवान को ये होचंति माध्यम सेवा करिबा प्रभु को पाखरे भजन कीर्तन करिबा नाम जप करिबा नानादि प्रकार मार्ग रे से तांकर भगवान को प्रसन्न करिवार मार्ग पाई थांती से माने करी थांती तेणु जेतेबेले भगवान कथा चिंता करुचे उदारता को चिंता करुचे भगवान आत्मीयता को चिंता करुचे जानी पारुचे भगवान केते आत्मीयता भाव प्रकाश करती ए भाव कई कहा को अछपा ना समस्त जानी आ समस्त विश्वास रखी पाख गले सी आम को कोल ने आपणार करे ए विश्वास भी अच्छी ए विश्वास अच्छी आम को से निराश करे ना ए विश्वास तेणु संसार को सृष्टि करिवारे भगवान को पाखरे निज छड़ा अन्य किसी सामग्री नथिला से निजे संसार रूप से प्रकट होइचंत संसार रूप से भगवान निजे प्रकट होइचंत तो मनुष्य अन्य मानुकु निज आड़कु आकृष्ट करिबाकु चाहंती प्राय मनुष्य देखिबे अन्य मानुकु निज आड़कु आकृष्ट करिबाकु चाहंती निजर शिष्य बा दास करिबाकु चाहंती निज संप्रदाय अंतर्भुक्त करने को चाहते निज प्रति श्रद्धा करने को चाहते से मानक द्वारा निजर पूजा आदर मान सम्मान कराई निज कथा मनवाक चाहते मात्र भगवान भगवान होती सर्वश्रेष्ठ हो मध्य निजर अधीन कराते ना बर जी जहाँ प्रति श्रद्धा रखे तार श्रद्धा को ता प्रति दृढ़ कराई दिं या भगवान केते उदारता आप एथुर चिंता करते भगवान विशेषत्व हैला से कहारी उपरे शासन करती ना मनुष्य को शासन मनुष्यर स्वभाव भगवान विशेषत्व कहारी उपरे शासन करती ना कहा निजर दास बा शिष्य करती ना से समस्त को निजर मित्र करती निज सम्मान करी दियंत
निजर समकक्ष कर दिखती महाप्रभु समस्ते प्रभु सहित जो आत्मीयता भाव जोड़ी हुए एथिपाई से निजे मित्र करती मित्रर भाव से देखती तेणु स्वत भक्तर मित्रता भाव आसी थाए बंधुत्वर भाव आसी थाए जगत बंधु अनाथर बंधु दिन बंधु जगतर बंधु दीननाथ बोली कहा जाए से जगन्नाथ से दीननाथ दिन होगले से आपण अनाथ करें नाथ हो जाए दिन अनाथ नुह से दीननाथ दिन बंधु अनाथर नाथ कृपा सिंधु प्रत्येक ना तर जो रही से ना अलौकिक शक्ति रही परमात्मा तत्व अत्यंत अलौकिक विलक्षण से तत्वर वर्णना कहीं करें ना भगवान तत्वर वर्णना कहीं करें ना से तत्व को इंद्रिय मन बुद्धि भी धरीपारे ना अर्थात से तत्व इंद्रिय मन बुद्धि परिसरभुक्त नुह अवश्य इंद्रिय मन बुद्धि से ताकु पाई पारे किंतु से तत्व को निज आयत को निज अधिकार को निज सीमा को आनी पारिबो नाही सीमा निज आयत से मोटे आनी पारिबो नाही कारण से विलीन हो जीव तलीन हो जीव अनुभव करि पारिबो कि निज सीमा को आनी पारिबो नाही से तत्व रे लीन हो जीव तत्व को निज आयत को आनी पारिबो नाही जो दर्शन रे ईश्वर भगवान परमात्मा सर्वोपरि बोली धारणा नाही से दर्शन अनुसरण करुवा लोके अशत्रु सर्वोत्त भावे संबंध विच्छिन्न करी मुक्त हो जाती सत किंतु निज अंशीर स्वीकृति बिना से मानकु परम प्रेम मिले ना परम आनंद परम प्रेम प्राप्ति बिना से मानकु प्रतिक्षण वर्तमान आनंद मिले ना अशांत सदावेले अशांतिर वातावरण रही थाए तेणु पवित्र परमात्मा नाम जप लीला धाम स्मरण कीर्तन जप ध्यान ये सब भगवत सम्बन्धीय जहाँ किसी अच्छे से सब अतीव पवित्र खाली पवित्र अतीव पवित्र बोली कहा जाए प्राणी मानकर बा प्राणी मानकु पवित्र कराए तेणु सृष्टिर उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि जहाँ किसी हो सब भगवान द्वारा ही होती सृष्टि उत्पत्ति सीए स्थिति भी सीए प्रलय भी सीए जहाँ भी आम देखुचे सब भगवान आलती दर्शन ये भगवान कृपार आज जो कुमुद हनुमान आलतीर दर्शन आम प्राप्त होचे से आलती के दर्शन करवा आम मन भितर गोटे शांति वार्ता भाव सृष्टि मन टिके आनंद लगुच तेणु जिते बड़े खुशी सुख अनुभव हुए से प्रभुंकर प्रदत्त कृपा बोली अनुभव करते भक्त माने आज प्रभु सी श्रीक्षेत्र को आसी प्रभु भी जहाँ भी कहतु प्रभु आसी प्रभु तक आनी एम को पचारे ये कह प्रभुंर डोरी आम टाणी हो आसीचु जदि भगवान को कह जाए भगवान को भी समस्त भक्त को मो आनी कारण सदा सर्वदा मोर भाव भगवान कहते ये भक्त मोर कहीं जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते दांड में ठिया होती समस्ते सामान जाति नुह प्रत्येक जातिर एटी अच्छा कि समस्त परिचय कौन कहा जगन्नाथ भक्त जैनिक भक्त बोली कहा जाए जिते नाम गोत्र सब हजि जाए सेतबेले जगन्नाथ परिचय आमे परिचित ही चौ जैनिक भक्त बा भक्त मानकर दर्शन करुचे से नाम न जानले जेतबेले आमे किसी बाट न पाई थाउ आमे जाति खोजी न थाउ गोत्र खोजी न थाउ समय खोजी न थाउ वर्ण खोजी न थाउ धर्म खोजी न थाउ सर्वमंगले जगन्नाथ करू सेतबेले आमे चिंता करू भगवान को नहीं जीवन को अतिवाहित करने सर्वमंगले जगन्नाथ
जगन्नाथ अच्छा आगक जावा जहाँ सी बुझे तेणु प्रभु को भी प्रार्थना करती प्रभु ये जातक गणना कौन जातक कौन समय कौन गोत्र कौन राजजोटक कौन ये जोग कौन ये किसी आम जानू आपण को धरलु आपण आम कार्य करेंगे एवं ये कार्य किभली भाव समस्त मंगल हम से कथा आपण करेंगे तेणु सर्वमंगल जगन्नाथ समस्त समस्ते से जगन्नाथ नाम को धरी आउ किसी धरती ना देखते ना जगन्नाथ नाम को तुंडे रखिदे आ कि आवश्यकता हुए ना एमती भी विचार एमती भी परंपरा आमर रही अद्यावधि भी रही समस्ते जो माने ईश्वर विश्वास भगवान को जगन्नाथ को विश्वास करती समय कौन देखा जगन्नाथ को मुंडिया मारिक चल ये कार्य को जाऊे कौ बाटे जावा ना जगन्नाथ को डाक से बाट आपे आपे फिटिज ए विश्वास जो आसी से विश्वास आज श्रीक्षेत्र भक्तमय महाप्रभुंकर विश्वास को ग्रहण करती बोले आज भक्तंकर श्रीक्षेत्र भक्तमय एक कालीन हरिबल हुलहुली देवाई समर्पित होगापी ये संकेत भगवान की प्रदान करती सेवकों माध्यम तेणु आम कहले भगवान जानवर विषय नुहंती केवल मानि निपे अनुभव करा जाई पारे मनुष्य देवता दानव कही भी निजर शक्ति सामर्थ्य योग्यता बुद्धि द्वारा भगवान को जापारे ना कारण मनुष्य आदि जिते जानवर योग्यता सामर्थ्य विशेषत्व से सब प्रकृत भगवान प्रकृतिर अतीत भगवान को नजाणी पर्यंत मनुष्यर गौण बा मुख्य रूप रूपक भेद भावना रहे तेणु सदा सर्वदा भगवान को पाखरे स्वयं भगवान जे पर्यंत भक्त बा भक्त स्वरूप सत्ता मात्र अटे वास्तव में ता भगवान को जेते बले पाई जाए भगवान को पाखरे तार मन निवेश करिजे सेतेबेले सी जाने कौन ना सर्वत्र सी भगवान को पाइब बोली ये भरोसा आसी जाए संसार भगवान को ठारे उत्पन्न हुए भगवान को ठारे रहे शेष को तांकरी ठारे लीन हो जाए भगवान व्यतीत संसार कौन सी स्वतंत्रता सत्ता भी नहीं जदि संसार भितर आम रही आमर सत्ता किए ना भगवान भगवान को बिना आम अस्तित्व नहीं परिचय नहीं जेपरी सुनारे तैयारी अलंकार सब सुना अलंकार आम देखुचे सुवर्ण अलंकार घर मानक भी माँ मैंने रखि था प्रभु भी तांकर सुवर्ण अलंकार रखिंट कहगला जेपरी सुनारे तैयारी अलंकार सबुठारु मूल्यवान कापाई जी सुना प्रति लक्ष्य रखि था सुनारे तैयारी अलंकार सुना ठारु पृथक नुह जो अलंकार मान थी से सुना पृथक ही नरम सुना ही अलंकार रूप धारण करे सुनारे तैयारी अलंकार को आम कह सुना मुदि सुना चेन सुना ब्रेसलेट सब सुना थी से कहगला सुनारे तैयारी अलंकार सुना ठार पृथक केवे हो नए बर सुना ही अलंकार रूप धारण कैपरी परमात्मा ठार् सृष्ट अनंत सृष्टि तांकर पृथक नुहे बर से परमात्मा ही सृष्टि रूपे दृश्य होती परमात्मा ठार् सृष्ट ये अनंत सृष्टि तांकर पृथक नुहे सृष्टि केवे पृथक नुह जदि से परमात्मा ही सृष्टि रूपे दृश्यमान होती एक भक्त ईश्वर विश्वासी धार्मिक चेतना व्यक्तित्व ही बुझी जाए सहजरे तत्वत संसार भगवान स्वरूप अवश्य संसार रे वर्ण और आश्रम मर्यादा एवं एभली करिवो ओ एभली करिवो नहीं इत्यादि विधि निषेधर जो नियम अच्छी से सब को महापुरुष माने जीव मान कल्याण उद्देश्य रे व्यवहार पाई स्वीकृत देइछन्ते तेणु पिंपुड़ी ठारु आरंभ कर ब्रह्मलोक पर्यंत समग्र संसार कर्मफल वस्तु व्यक्ति क्रिया हेउची संसार स्वरूप
କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଧିକତାରେ ପ୍ରକୃତି ରଚନା କରେ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର କଥା କହୁ କହୁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁ ସୀମାହୀନ ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ସେ ନୀଳଚକ୍ରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ନୀଳଚକ୍ରରେ ଲୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ, ତାହିଁ ଆମେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ମାନିନେବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା। କାରଣ କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିଲେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଇଏ ରଚନା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରକଟ କରିବେ, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ ତାଙ୍କରି ଆଦେଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଓ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂସାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଜୀବ ଦୃଷ୍ଟି ଧାରଣାରେ ହିଁ ସଂସାର ଅଛି। ପତକା ବନ୍ଧାଯିବ, ପତିତ ପାବନ ପତକା ବନ୍ଧାଯିବ, ଯେଉଁ ପତକାକୁ ସେ ନେଇ କର୍ଣ୍ଣିକା ନିକଟକୁ ଯିବେ, ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ପତକା, ଏବଂ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ପତକା, ଏବଂ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦର ପତକା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତକା ଆପଣ କହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତକା ଏଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଜାବନ୍ଦା ସେବକ ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ପତକା ଖଣ୍ଡି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାନ୍ଧିବୁ, ସେଇମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭଲରେ ଭଲରେ ହୋଇଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପତକା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ କୌଣସି ମାନସିକ ରଖିନଥାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ବି ନଥାଏ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପତକା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ପତକା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମାନସିକଧାରୀମାନଙ୍କର ପତକା ରହିଛି, ମାନସିକ ହେବା ପାଇଁ ପତକା ରହିଛି, କୌଣସି ମାନସିକ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ପତକା ରହିଛି, ଭକ୍ତିର ପତକା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବ, କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବ, ପତକା ଖଣ୍ଡିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ଇଏ ହେଲା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭକ୍ତି, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଯାହାକୁ କହୁଛେ। କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, ପତକା ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଠି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ପତକା, ଯିଏ ଦେଇଛି କୌଣସି ପତକାର କାମନା ରଖିଦେଇଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ ପତକା ଖଣ୍ଡି, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ହେଇଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପତକା ଖଣ୍ଡିଏ ବାନ୍ଧିଲି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେମିତି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତିନି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ସବୁର ମୂଳରେ। ଯାହାର ମାନସିକ ଶରୀର ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ପତକାଟିଏ ଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଭକ୍ତି ରହିଛି। ଯାହାର ହବ ହବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଭକ୍ତି ଆସିଗଲା, ଯାହାର ହବ ବୋଲି ଦେଇଛି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବାନ୍ଧିଲା, ଯାହାର କୌଣସି ନିଷ୍କାମ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ପତକା ବାନ୍ଧିଛି, ସେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ନିଷ୍କାମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ, କୌଣସି କାମନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେନି। କର୍ଣ୍ଣିକା ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଧ୍ୱଜାବନ୍ଧା ସେବକ, ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣିକା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଜି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର
चौदहतिया पताका के नहीं तांकर गोलारु काढ़ी प्रणाम करुचंती प्रभुंकर से अक्षय दंड ब्रह्म दंड बा ध्वजा दंड बोली कुआ जाए समर्पी जानती समस्त संसार रो मंगल पाई संसार मंगल चिंता बा संसार मंगल चिंता करंती मंगल बा प्रभु संसार रो मंगल प्रार्थना करंती सेवक जो सेवक जो सेवा माध्यम रे प्रत्येक सेवा को जते बेले संपन्न करंती विभिन्न प्रकार सेवक रही चंती से सेवकंकर सेवा संपन्न करिबा परे प्रभु को कहंती प्रभु जजमानंकर मंगल हेउ समाजर मंगल हो पृथ्वीर जगतर मंगल हो ये प्रार्थना मध्य करिथांती प्रभु को निकट कारण सेवक मानंकर द्वारा भगवान सुनंती भक्त माने कहिले भगवान सुनंती सेवक मानंकर द्वारा भी भगवान सुनंती माध्यम रे सेवक मानक माध्यम रे भगवान सुनंती तण सेवा करिबा भितरे सेवा संपन्न परे सेवा पूर्वरु से समर्पी जाई थां ए जगतवासी संसार आपण को पदार बिंदरे समर्पी गले प्रभु ग्रहण करिबे आपण सेवा करुथुबा बेले कहिबे प्रभु दुखी रंखी मानन को उद्धार करंतु अनाथ लोकन को आपण साह बंतु नाथ रूप रे आपण प्रकटित होंतु सेवा सरी गले संपन्न बढ़िला सेवा परे प्रभु यही कृपा आपण करंतु संसार रा मंगल हो समस्ते भले रे रुवंतु समस्ते खुशी रे रुवंतु समस्ते की सुख समृद्धि प्रदान कर हे महाबाहु विशाल बाहु मेली आपण बसी चंती सेई बाहु को आपण कर आशा करी केते जीव अपेक्षा करी चंती सेई बाहु को आशा करी आपण को द्वारे आपण को द्वारे बाहु टेकी दउचंती हे महाबाहु से विशाल बाहु बाहु को प्रसारित करंतु भक्त पतित मान को उद्धार करंतु हे पतित पावन तेणु महाप्रभु पतित पावन बाना को अनंत आकाश रे उड़ी दे प्रभु कहले जे ये पतित पावन बाना को दर्शन करदेव सी मते मागुवा मते जाचिवा मते चिंता करुवा समस्त वस्तु प्राप्त हो जीव ये कथा भगवान मध्य पतित पावन को से शक्ति प्रदान करिछन एठी पतका शक्ति प्रदान पाइछंती एठी चक्र शक्ति प्रदान पाइछंती जो पतित पावन बाना को देखि देले प्रभुंक ठारु जहां आशा करिबा जेमती प्रभु समस्त वस्तु को प्राप्त करांती अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करि देबार शक्ति महाप्रभु कर अछि से बिली दर्शन मात्र के पतित पावन बानांकर समस्त वस्तु प्राप्त हेबार सामर्थ्य प्रभु तांकु दैछंती से समस्त भक्त मानकु सामर्थ्य प्रदान करि दियंती अर्थात समस्त को सुख शांति मैत्री प्रीति भाव रे बांधि रखंती एवं जहां इच्छा प्रकट करंती से पतित पावन बानांक ठारु मध्य प्राप्त होई जां बाना बंधार दृश्य अतीव दुर्लभ अत्यंत पवित्र जो दृश्य को देखिबा पाए आमे बहु समय धरि अपेक्षा करितले आजिर ध्वजा बंधा सेवार पवित्रता को महनीयता को भक्तिर भाव को आमे मन भितरे अनुभव करिचे अनुभवर ठाकुरंकर मंदिर अनुभव होता है दर्शन कले शास्त्र पढ़िले मध्य प्रभुंकर अनुभव होता है शास्त्र शुणिले मध्य प्रभुंकर अनुभव होता है शास्त्र को पूजा कले मध्य अनुभव होता है से शास्त्र किए ना परम ब्रह्मंकर परम शास्त्र भागवत सप्तम स्कंद दशम अध्याय प्रतिदिन आम गोटे गोटे अध्याय श्रवण करिवार सुजोग महाप्रभुंकर कृपारु मिली थाए आसंतु आज सप्तम स्कंद दशम अध्याय जी अध्याय को कंठदान करती प्रति अध्याय जी कंठदान करती श्रीमती नमिता अग्रवाल मैम तांकरी भावपूर्ण कंठरे परमशास्त्र भागवत श्रवण पूर्वक विभु कृपा लाभ करी ए जीवन को सार्थकता करिबा परिवार पवित्र राम नवमी ठारु आरंभ होउछि पुरीर प्रसिद्ध साकी